नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मयंक सिंह और आज हम और आप मिलकर पढ़ने वाले हैं तत्वों के बारे में। तत्व कितने तरह के होते हैं, उनमें क्या क्या गुण होते हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, तत्व मूलतः दो तरह के होते हैं। पहला होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। अंग्रेजी में बात करें तो मेटल और नॉन मेटल। जैसे कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आसपास कई तरह के मेटल और नॉन मेटल देखते ही रहते हैं, तो आप इन सब चीजों को अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। अगर हम धातुओं की बात करें तो सोना, चांदी, लौह, तांबा, एल्यूमिनियम ऐसे धातुएं हैं जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आजू बाजू देखते ही रहते हैं। बात करें मगर अधातुओं की, तो अधातुओं में आपके कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस आते हैं, जो कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं। हालांकि इनमें से आप सब नहीं देख सकते क्योंकि बहुत सारे गैस के फॉर्म में होते हैं, बट इनमें से काफी चीजें हैं जो आप वैसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धातुओं की। अगर धातुओं की बात की जाए तो हम उनके भौतिक गुणों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो अगर शुरू की जाए तो सबसे पहले आता है आपका भौतिक अवस्था। वो धातु किस अवस्था में पाई जाती है, तो सामान्य ताप पर आपको अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में भी होती है। पारा का मतलब मरकरी। इसका उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर में किया जाता है। कुछ और धातुएं भी हैं जो द्रव अवस्थाओं में होती हैं और दोनों अवस्थाओं में भी रह सकती हैं। जैसे कि अगर हम एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लें तो एल्यूमिनियम सामान्य तापमान पर ठोस में रहता है, पर अगर एल्यूमिनियम को गर्म किया जाए तो वो पिघला भी हो सकता है और पिघल के लिक्विड फॉर्म में भी आ सकता है। अगर धातुओं के रंग की बात करें तो धातुएं अधिकतर रूपैली या धूसर यानी कि ग्रे रंग की दिखती हैं। हालांकि सोना, चांदी, तांबा, प्लैटिनम ऐसी धातुएं हैं जो कि एक अपवाद माना जाता है, क्योंकि इनमें अलग अलग तरह के रंग होते हैं। सोना आपको गोल्डन रंग में चमकता हुआ नजर आता है, उसी तरह सिल्वर भी आपको नजर आता है। तांबे का अपना एक अलग ब्राउन कलर का कलर होता है। तो इन सब चीजों के थोड़े अलग कलर होते हैं, पर अधिकतर धातुएं आपको ग्रे रंग या उससे मिलते जुलते रंग में ही देखी जाती हैं। अगर हम तीसरी गुण की बात करें धातुओं की, तो वो होती है चमक। अगर चमक की बात करें तो धातुओं में विशेष चमक होती है जिससे वे धात्विक चमक कहते हैं। चांदी, सोना सबसे चमकदार होते हैं। चांदी एक बहुत अच्छा परावर्तक है। यह अपने अपने पर पड़ने वाले लगभग 90% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, यानी कि उस पर जो 90% रोशनी पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है करती। इसलिए इसका उपयोग दर्पण के पीछे की तरफ पॉलिश करने के लिए किया जाता है। जो आप जो शीशा घरों में इस्तेमाल करते हैं, शीशा के पीछे वाली जो परत होती है वो चांदी की होती है, ताकि जब आप शीशे में देखें तो उससे रोशनी वापस रिफ्लेक्ट होकर आए, ताकि आप शीशे में अपने आप को देख सकें। तो आप देख सकते हैं कि चांदी कितना ज्यादा रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं चौथे गुण की, जो कि होता है कठोरता। जैसे कि आप सुनने में ही लगता है कि धातु, हम सोच के सबसे पहला जो ख्याल हमारे दिमाग में आता है कि धातु एक कठोर पदार्थ होता है। कठोरता की बात करें तो अधिकतर धातुएं कठोर होती हैं, जिन्हें आसानी से काटा नहीं जा सकता है। सब धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। एल्यूमिनियम अलग कठोर होता है, लोहा अलग कठोर होता है, कॉपर अलग तरह का कठोर होता है। अगर हम बात करें पांचवें गुण की, तो उसे कहते हैं ध्वनिकता। जब धातुएं टकराती हैं या धातु पर किसी चीज से प्रहार किया जाता है, तब विशेष तरह की ध्वनि निकलती है। अगर आपको याद हो तो आपके स्कूल की घंटी बहुत ही अलग तरीके से बजती है, और जो आपके स्कूल वाले भैया होते हैं, जब वो घंटी पे जोर से वार करते हैं तो बहुत जोर से घनघनाहट की आवाज आती है। अगर हम छठी गुण की बात करें तो वो होता है घनत्व, जिसको हम डेंसिटी भी कहते हैं। सामान्यतः सभी धातुएं काफी घनी होती हैं और पानी में डालने में डूब जाती हैं, अर्थात वे पानी से भारी होती हैं। इसका मतलब यह है कि उनका घनत्व पानी से ज्यादा होता है। कुछ धातुओं का घनत्व कम भी होता है, या इसलिए है इसलिए पानी पे तैरती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम आदि। इनका घनत्व पानी से कम होता है, तो अगर आप इन्हें पानी में डालेंगे तो वो पानी पे तैरती हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो जो सातवीं खूबी है या गुण है धातुओं की, वो होता है गलनांक। गलनांक वो ताप होता है जिस ताप पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एल्यूमिनियम की एक खूबी बताई कि एल्यूमिनियम सामान्य तापमान पर ठोस होता है, पर अगर एल्यूमिनियम को गर्म किया जाए तो वो पिघल जाता है और द्रव की अवस्था ले लेता है। चूंकि अधिकतर धातुएं कठोर होती हैं, इसलिए वे शीघ्रता नहीं पिघलती हैं और उनके गलनांक उच्च होते हैं। उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ऊंचा होता है। जैसे लोहे को गलाने का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊपर होता है, आपको उसको बहुत ज्यादा तापमान तक ले जाना पड़ेगा ताकि वो ठोस से तरल अवस्था में आए। अगर हम आठवें गुण की बात करें तो वो होता है ऊष्मीय चालकता।
ऊष्म चालकता मतलब कि वो उसको हीट, कोई भी पदार्थ हीट को कितने अच्छे से कंडक्ट करेगा। अगर आप जैसे देखें लोहे में हीट बहुत आसानी से कंडक्ट होती है, उसी दूसरी तरफ एल्यूमिनियम आसानी से हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए जो हो सकता है कि आपके बैग में इस वक्त जो लंच रखा हो उसमें आपकी मदर ने उसको एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करके दिया होगा ताकि खाना गर्म बना रहे। नौवां जो गुण होता है उसे कहते हैं विद्युत चालकता, मतलब बिजली का प्रवाह उस धातु में किस तरह होता है। विद्युत चालकता से आप भली भांति परिचित हैं, जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वो विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। यही कारण है कि घर, कारखाने आदि में बिजली की फिटिंग की तार तांबे अथवा एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। कादर में भी उत्तम विद्युत संपर्क होने के लिए चांदी का प्रयोग होता है। अगर हम 10वें गुण की बात करें तो वो होता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का अर्थ होता है कि आघात पीटना एवं वर्धन बढ़ाना, अर्थात पीटन पर फैलना या बढ़ना। यदि हम एक तांबे के टुकड़े को वह एक कोयले के टुकड़े को हथौड़े की सहायता से पीट कर देखें तो क्या अंतर पाएंगे? अगर हम तांबे को पीटेंगे तो वो फैलता है, अगर आप कोयले के टुकड़े को एक हथौड़े से पीटेंगे तो वो टूट के बिखर जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। अगर हम 11वीं और आखिरी गुण की बात करें तो वो होती है तन्यता। धातुओं का यह गुण अत्यंत महत्वपूर्ण है। पदार्थ का वह गुण है जिसमें धातु खींचने पर वह तार में बदल जाता है। इस गुण को तन्यता कहते हैं। तन्यता का गुण सबसे ज्यादा सोने में होता है, इसलिए हम सोने को ठोक पीट के गर्म करके पिघला के अलग अलग आकार में ढाल सकते हैं। इसके पतले से पतले तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम में यह गुण नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ गुण थे धातुओं की। अब हम बात करेंगे अधातुओं की। अगर अधातुओं के भौतिक गुणों की बात की जाए, इफ यू टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, पहली सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है भौतिक अवस्था। सामान्य तौर पर अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जा सकती हैं। तो धातुओं के मुकाबले जो अधातु है वो हमें तीनों फॉर्म में मिल सकती है। वो ठोस भी हो सकती है, सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में भी और गैस के भी फॉर्म में। इसके एग्जाम्पल हैं आपके सामने। ठोस अवस्था में आपको कार्बन मिल सकता है, डायमंड उसका एक बहुत प्रचलित उदाहरण है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन। द्रव के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में आपको ब्रोमीन, और गैस के फॉर्म में आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सारी मिल सकते हैं। तो आपने देखा कि अधातु आपको द्रव, ठोस और गैस तीनों के फॉर्म में मिल सकती है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में मिल सकती है। अगर हम बात करें रंग की, तो अधातुएं कई रंग की होती हैं। जैसे सल्फर पीला होता है, क्लोरीन गैस हरी पीली होती है, फॉस्फोरस लाल सफेद होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रंगहीन होती है। तो आपने देखा कि अधातु कई रंगों में पाई जा सकती है। अगर हम चमक की बात करें तो अधातुओं में ज्यादा चमक नहीं होती है। कार्बन और आयोडीन इसका उपवाद है, ये सामान्यतः प्रकाश को अच्छी तरह से परिवर्तित नहीं करते हैं। तो जो भी जो लाइट होती है जब वो अधातु की सरफेस पे पड़ती है तो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होती है। अगर हम कठोरता की बात करें तो अधातुएं कम कठोर होती हैं। जैसे सल्फर, या सल्फर को चाकू से क्या हम काट सकते हैं? नहीं। इसका अपवाद हीरा है, जो कि प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। सबसे क्या, वो सबसे ही ज्यादा कठोर पदार्थ होता है, जिससे हम पत्थर भी काटते हैं, जिससे हम शीशे भी काटते हैं, और इससे मजबूत से मजबूत पदार्थ को काटा जा सकता है। अगर हम ध्वनिकता की बात करें तो ये धातुओं के समान टकराने या पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। अगर हम छठे गुण की बात करें तो घनत्व, अधातुएं बहुत ही कम घनत्व की होती हैं। गलनांक के मामले में अधातुओं में के गलनांक बहुत कम होते हैं, यानी कि बहुत ही कम तापमान पे ही वो जल्दी से द्रव के फॉर्म में आ जाती हैं, वो पिघलना शुरू कर देती हैं। ऊष्मीय विद्युत चालकता के बारे में बात करें तो सामान्यतः अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं, मतलब वो गर्मी को और बिजली को अपने अंदर से बहुत तेजी से पास नहीं होने देती हैं, उसके चालक नहीं होते वो। लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है, और इसकी संरचना में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युतों को बहुत अच्छे से सुचालक है। जैसे आपके माना है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं बिजली उतनी तेजी से बहती है, इसी प्रकार ग्रेफाइट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो बिजली को बहुत अच्छे से प्रभावित करता है। अगर हम 9वें गुण की बात करें तो उसको कहते हैं भंगुरता। धातुओं के समान इसमें तन्यता एवं आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता है, अपितु पीटने पर यह टुकड़ों में चूर्ण के में विभक्त हो जाता है। जैसे कि हमने कोयले का जिक्र किया, अगर आप तांबे को पीटते हैं वो फैल सकता है, आप उसको अलग अलग आकार में डाल सकते हैं, पर अगर आप कोयले को हथौड़े से पीटेंगे तो पिस के चूरे के फॉर्म में या चूर्ण के फॉर्म में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुण की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो शुरू करते हैं पहले धातुओं से। घरों में रखे तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तनों की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है, चांदी के आभूषण भी काले पड़ जाते हैं, लेकिन सोने की चमक हमेशा बनी रहती है।
आपके यहाँ अचार भी चीनी की बरियों में भरकर रखा जाता है, धातु के बर्तन में नहीं। इस सब का कारण यह है कि धातुएं वायु, जल, अम्ल आदि से अभिक्रिया कर रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। जैसे कि आपने सुना कि जो धातु होते हैं वो पानी के साथ, जल के साथ, हवा के साथ रिएक्शन करके दूसरे फॉर्म के पदार्थ बनाते हैं। वायु के साथ रिएक्शन, धातुएं वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, इसलिए आपके घरों में रखे कूलरों में जंग लग जाती है। जल के साथ क्रिया, अधिकतर धातुएं जल ठंडे, गर्म या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, जो धातुएं होती हैं वो गैस और लिक्विड के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं। जहां तक बात रही एसिड के साथ रिएक्शन में, अम्लों के साथ धातुओं की क्रिया, आपने अपने रसोई घर में देखा होगा कि हम लोहे और एल्यूमिनियम के बर्तनों में दही, चटनी, खट्टे फल और अचार रख देते हैं तो उनका स्वाद खराब हो जाता है तथा बर्तन भी खराब हो जाते हैं। इसका कारण इसमें उपस्थित अम्ल की उस पात्र की धातु से रासायनिक क्रिया करने का है, जिसके कारण विषैले लवण बन जाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब हम बढ़ते हैं अधातुओं की रासायनिक गुण की ओर, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। वायु के साथ जो इसका रिएक्शन होता है, अधातुओं को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब उनके ऑक्साइड्स बनते हैं। ये ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं, यानी कि एसिडिक इन नेचर होते हैं। जल के साथ रिएक्शन की बात करें तो जल के साथ जब अधातुओं की क्रिया होती है तो सामान्य ताप पर अधातुएं जल के साथ क्रिया करती ही नहीं है, मगर आप सामान्य तापमान पर अधातुओं को पानी में मिलाएंगे तो उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अगर हम एसिड के साथ करें, अम्ल के साथ बात करें, तो अधिकांश धातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं कर सकती, लेकिन सल्फर, सांद, नाइट्राइड अम्ल के साथ क्रिया करती है। तो यानी कि कुछ अधातु करती हैं, कुछ अधातु नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या कवर किया। सबसे पहले हमने जाना कि धातु और अधातु क्या होती है, उनके मुख्य एग्जाम्पल्स कौन से हैं, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि भौतिक अवस्था, रंग, चमक, कठोरता, ध्वनिकता, घनत्व, इन पे बात की, वह किस तरह वायु के साथ, पानी के साथ, जल के साथ या और अलग अलग चीज़ों का रिएक्ट करती हैं। फिर हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, कुछ में चमक होती है, कुछ में चमक होती है, कुछ रिएक्ट करते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। धन्यवाद।